टुडेज आवर क्लास मैथ सब्जेक्ट टॉपिक नंबर 11 नंबर्स। इसके पहले हमने ये टॉपिक टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में कर चुके हैं, आज हम इस टॉपिक को नोटबुक में करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस। आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है तो आपको करेक्ट नंबर इसमें राइट करना है। तो ये क्या है, आपको पता है क्या है, ये बंडल्स बने हुए हैं। ओके, 10 थिंग्स वन बंडल, 10 थिंग्स मेक अ वन बंडल। आपको पता है 10 चीज़ों का जो बंडल रहता है वो क्या होता है, 110 होता है। क्या होता है, 110। तो ये देखिए यहाँ पे बंडल बने हैं, तो हाउ मेनी बंडल्स आर देयर, काउंट इट, 1 2 3 4 5, 5 टेन्स, 1 2 3 4 5, 5 बंडल बने, मतलब 5 टेन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5 टेन्स। एंड हाउ मेनी वंस आर देयर, वंस है, ये यूनिट है, तो कितने यूनिट है, काउंट इट, 1 2 3 4 5 यूनिट। ओके, ये हो गए 5 यूनिट। ओके, सो 5 टेन्स मीन्स 50, और ये 5 वंस मतलब 55 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 55। तो आपको ये नहीं राइट करना है, आपको ओनली यही राइट करना है, ठीक है, 5 एंड 5। नेक्स्ट, हाउ मेनी देयर आर बंडल्स, 2 बंडल्स, देयर आर 2 बंडल्स, सो 1 2, 2 टेन्स, 2 टेन्स मतलब 20। ओके, 2 टेन्स मीन्स 20, एंड हाउ मेनी यूनिट्स, 1 2 3 4 यूनिट्स। ओके, 20 प्लस 4 24। ओके, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे जो ये क्या दिया है, ब्लैंक जो दिया है ये बॉक्स, वहाँ पे आपको करेक्ट नंबर राइट करना है। सो काउंट इट, हाउ मेनी बंडल्स आर देयर, सो 1 2 3 4 बंडल्स। ओके, 4 बंडल। एंड नेक्स्ट, हाउ मेनी वंस, 1 2 3 वंस। ओके, सो टोटल काउंट इट, 4 3 43। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा बताए आपको, 4 टेन्स मतलब 40 प्लस 3 वंस, सो इज इक्वल 43। ओके, नेक्स्ट, काउंट इट, मेक बंडल, 1 2 3। ओके, 3 बंडल्स आर देयर, सो 3 बंडल्स राइट हियर। ओके, सो 3 मीन्स 30। ओके, 3 टेन्स मीन्स 30 प्लस हाउ मेनी यूनिट्स, 1 2 3 4 यूनिट। ओके, सो राइट हियर, 3 4 34 3 4 34। ओके, नेक्स्ट लास्ट, हाउ मेनी बंडल्स, 2 बंडल्स आर देयर। ओके, सो राइट हियर, 2 बंडल्स, 2 बंडल्स मीन्स 20 प्लस हाउ मेनी वंस, सो 1 2 3 4 5 5 यूनिट 2 5 20 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है, 39 ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका बिफोर नंबर और साथ ही साथ आफ्टर नंबर राइट करना है। तो देखिए 39 के पहले, मतलब पहले मतलब ऊपर वाले नंबर लिखने, और 39 के बाद मतलब नीचे के नंबर लिखना है। तो 39 के ऊपर क्या आता है, 38 और 37, ठीक है, 37, 38, 39, तो हम ऐसे राइट करेंगे, 37, 38, और ये हो गया 39, 39 के बाद 40 और 41। ओके, कंप्लीट इट। नेक्स्ट 98, 98 के ऊपर क्या रहता है, 97 और 96, है ना, 2 बॉक्स दिए तो 2 ही नंबर हमें लिखने पड़ेंगे उसके ऊपर के, तो ऐसे लिख देना, आपको नहीं समझ में आता है तो 98 के पहले हम लिख देंगे 97, 97, 97 के ऊपर क्या है, 96, हो गया 96 97 98 99 and 100। आफ्टर नंबर तो आपको आ ही जाएगा, बस आपको प्रॉब्लम जाएंगे बिफोर नंबर में। तो बिफोर नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर ऐसे
कितने बॉक्स दिए, टू बॉक्स दिए, तो टू बार आपको ऊपर के नंबर्स लिखने पड़ेंगे और वैसे सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी 77, तो 77 के ऊपर क्या रहता है, 76 और 75, ठीक है। तो ऐसे राइट करेंगे हम 76 75, देखिए 75 76 77 78 79, ओके। नेक्स्ट 44 के ऊपर 43 और ये रहा 42, ओके। सो राइट हियर 42 43 44 45 46, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 18 के ऊपर क्या रहता है, 70 और 17 के ऊपर रहता है 60। सो राइट हियर 16 17 18 19 एंड देन 20, ओके स्टूडेंट्स। So students, I hope we all are understood this topic. So write this exercise in your math notebook and understand it. Okay? Thank you. Bye bye.